अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं ज़ुबैर बेग रियल एडवाइज़र पीके से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको लेके आए हैं आगोश कॉलोनी, जो एक खूबसूरत कॉलोनी है। ये समा गार्डन और CBR के दरमियान में वाकया है। आप इस घर का ये फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, ये कॉर्नर हाउस है। मैं आपको इसकी गली दिखाता हूँ। एक खूबसूरत और प्यारा घर व्यूवर्स, ये इसका ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं व्यूवर्स। आपका मैं इसको साइड से व्यू भी कराता हूँ। व्यूवर्स ये इसका साइड का ग्रीन एरिया नजर आ रहा है आपको। ये बीच में दरख्त आ गया व्यूवर्स, थोड़ा सा इससे वाजिया नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा व्यू आपको देखने में मिल जाएगा। व्यूवर्स काफी खूबसूरत घर बना है, इसे ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट का टच दिया गया है। ऑफ व्हाइट पेंट है तकरीबन सारा छत व्हाइट। आप इसका मेन गेट देख सकते हैं। व्यूवर्स हम चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं इस घर के अंदर और क्या क्या है। व्यूवर्स हम दाखिल होते हैं इसके कार पोर्च एरिया में। यहाँ पर आपको तीन बड़ी गाड़ियाँ बड़े आराम से खड़ी कर सकते हैं और इधर भी दो गाड़ियाँ आप आराम से खड़ी कर सकते हैं। इसकी छत देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरत छत। व्यूवर्स ये सबसे इस घर में बोरिंग भी है और इधर आपको ये इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक नजर आ रहा है। व्यूवर्स सॉलिड डोर, खूबसूरत सॉलिड डोर, एल्युमिनियम विंडोज। व्यूवर्स हम मैं आपको इसकी साइड वाली गैलरी का विजिट कराता हूँ। व्यूवर्स काफी आम घरों से खुली गैलरी दी है इन्होंने और ये सामने आपको दाएं तरफ आपको ड्राइंग रूम का दरवाजा नजर आएगा व्यूवर्स। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, एक बड़ा दरवाजा दिया गया सॉलिड डोर अच्छी फिनिशिंग के साथ। व्यूवर्स जैसे ही आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो ये खुली सी लॉबी, बड़ी सी लॉबी नजर आएगी आपको। आप देख सकते हैं इसकी छत, ये इधर साइड पे अभी आइए आला रब्बी कुमार तुकजीबान, और तुम रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये प्यारा सा फानूस। व्यूवर्स अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको एक बेडरूम नजर आएगा। सामने वाली दीवार इसकी खूबसूरत डिजाइन करदा दीवार नजर आ रही है आपको। व्यूवर्स ये इसका छत का व्यू देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरत छत। ये इसका वेंटिलेशन एरिया, बड़ी सी विंडो वेंटिलेशन के लिए। इसकी फ्लोरिंग देख सकते हैं आप, खूबसूरत क्लाउड स्टाइल में इसकी फ्लोरिंग। व्यूवर्स दाएं तरफ आपको ये एक बड़ा सा ड्राइंग रूम मिलता है। व्यूवर्स खूबसूरत दरवाजे अच्छी फिनिशिंग के साथ, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। व्यूवर्स छत भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ, खूबसूरत छत। व्यूवर्स इसमें तीन वेंटिलेशन के लिए तीन बड़ी विंडोज दी गई हैं, जिससे आपके रोशनी में भी इजाफा होगा और हवादार भी रहेगा ये घर। व्यूवर्स ये एक खूबसूरत सा फानूस भी नजर आ रहा है आपको, देख सकते हैं आप। व्यूवर्स इस दीवार पे खूबसूरत वॉलपेपर, फ्लोरिंग हुई साइड पे ब्राउन बॉर्डर, अंदर क्लाउडी टाइल। अभी भी चलते हैं हम इसके अगले हिस्से की तरफ। जैसे आप इधर दाखिल होते हैं आपको दाएं तरफ किचन मिलेगा और बाएं तरफ इसका ये टीवी लॉन्च। पहले हम टीवी लॉन्च का विजिट करते हैं व्यूवर्स। ये सामने आपको मीडिया वॉल नजर आ रही है, जो ग्लास फिनिशिंग के साथ इसकी भी मीडिया वॉल बनाई गई है। पीछे इसके खूबसूरत सा वॉलपेपर,
आप इसकी ये सीलिंग देख सकते हैं, एक खूबसूरत सीलिंग, सामने आपको वेंटिलेशन विंडो, काफ़ी खुला, ये टीवी लॉन्च है। इसके बाद दाएं तरफ आपको हम दिखाते हैं इसका किचन व्यूज, इसका किचन आ गया। देख सकते हैं आप इसका किचन, काफी खुला और बड़ा किचन आपको मिलेगा। ये इसमें तमाम एक्सेसरीज के लिए ये अलमारी नजर आएगी आपको। इसको इसके आप फर्श देख सकते हैं, वुडन स्टाइल में फर्श की टाइल लगी है इस पे। इसका चूल्हा, इसका बर्नर, इसका वॉशिंग एरिया, ये जो इन्होंने ये टैप लगाया, ये आज कल बहुत इन है क्योंकि इसको आप जिधर चाहे मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दरवाजा आपको दिखाता हूँ, जो ये साइड गैलरी में खुल रहा है, ये दरवाजा साइड गैलरी में खुलेगा, आप देख सकते हैं। इधर आपको ये वॉशिंग एरिया भी नजर आ रहा है, साथ ये कुंडियां लगाई गई हैं। हम चलते हैं दोबारा अंदर और इसके अगले रूम का विजिट करते हैं। ये लाइट मुझे बहुत पसंद है, इसको जैसे चाहें आप नीचे कर सकते हैं और जितना चाहें इसको आप ऊपर कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके बेडरूम की जानिब। ये वॉल पेपर से डेकोरेट की हुई वॉल, हर कमरे में आपको एक वॉल ऐसी मिलेगी जिसपे वॉल पेपर होगा। फिर सामने ये कैबिनेट आपको नजर आ रही है, ये फोर डोर कैबिनेट जिसमें आपको एक ड्रॉअर मिलता है कपड़े रखने के लिए और हैंगिंग मिलती है, ये आपको इसका हैंगर सारा सब कुछ मिलता है। इसका वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छा टाइल वर्क, पूरे घर में खूबसूरत टाइल वर्क, अच्छी फिनिशिंग के साथ। कमोड, वो वैनिटी, वो आपको एग्जॉस्ट मिलता है। हम चलते हैं इसके बेडरूम की जाने। मुझे डोर बहुत अच्छे लगे हैं इनके, सिंपल सादा और खूबसूरत दरवाजा। अब हम चलते हैं इसके अगले बेड की जाने। ये इसके पीछे, ये सामने जो दरवाजा नजर आ, पिछले सहन में खुलेगा और ये स्टेयर्स जो हैं ये ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाती हैं। हम इस बेड में चलते हैं, इस बेड काफी खुले बने हैं, खुले बेड। ये इसकी वार्डरोब नजर आ रही है आपको, इसका भी वॉशरूम देखते हैं। विवस खुला वॉशरूम, वॉशरूम इन्होंने काफी खुले बनाए हैं। इसमें आपको टाइल वर्क नजर आ रहा है, अच्छा खूबसूरत टाइल वर्क, वेनिटी कमोड। अब हम चलते हैं, ये सामने आप वॉल देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वॉलपेपर से हर कमरे में एक दीवार को डेकोरेट किया गया है। बस ये जो पोर्शन आया है, ये इन्होंने दाएं तरफ जो है ये एक सर्वेंट रूम दिया है, इसका वॉशरूम। बस ये जो डोर है, ये पिछले सहन से अगर आप इसको घर को किराए के तौर पे देना चाहते हैं तो आप ये पीछे से इसकी एंट्री, बिल्कुल सेपरेट एंट्री है इसकी, यहां से लोग अंदर दाखिल होंगे और यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे, इससे आपकी प्राइवेसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक सेपरेट रास्ता दिया गया है। अगर चाहें तो आप अंदर, अगर एक ही फैमिली है तो अंदर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने किराए पे देना है इसको तो आप बिल्कुल इसको सेपरेट दे सकते हैं। हम चलते हैं इसके ऊपर
थर्ड पोर्शन की तरफ, ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। ये सामने वेंटिलेशन विंडो, साइड पे स्टील ग्रिल, स्टेनलेस स्टील ग्रिल। वैसे हम ऊपर पहुंच गए हैं। एक रोशन और हवादार घर। ये सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ जाती हुई। जैसे ही हम इसकी लॉबी में दाखिल होते हैं, आप देखें ये लेफ्ट साइड पे एक ह्यूज ड्राइंग रूम। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरत सीलिंग। इस पानों से आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इसमें म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। आप इस पानों से आप म्यूजिक भी चाहें तो सुन सकते हैं। इसका वॉशरूम दिखाते हैं आपको। ड्राइंग रूम के साथ भी एक वॉशरूम दिया है। इसमें कमोड और आपको जस्ट वेंटी मिलेगी। हम चलते हैं इसके बेड टू की जानिब। बेड फर्स्ट, बहुत पहला ड्राइंग रूम था, अब बेड फर्स्ट की जानिब। इसका बेड फर्स्ट आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया खुले और रोशन कमरे। इन्होंने कमरों का साइज काफी बड़ा दिया। आप सब बेड के साथ आप सोफा ड्रेसिंग रखना चाहें, सोफा रखना चाहें, कुछ चेयर्स रखने चाहें तो वो भी आराम से आप रख सकते हैं। व्यूअर्स ये एक अलमारी बड़ी है, 5 डोर्स कैबिनेट है। इसका वॉशरूम मैंने ना खुले वॉशरूम, बहुत ज़्यादा खिचपिच नहीं की है इन्होंने, खुले वॉशरूम बनाए हैं, जिसकी जो एक अच्छा मुझे बहुत पसंद आया है ये कि खुले वॉशरूम रोशन हवादार। फिर हम चलते हैं ये सामने। फिर आपको डेकोरेट वॉल जो कि वॉल पेपर से बनाई गई है। फिर हम दाखिल होते हैं अब इधर मेन एरिया में। तो आपको ये दाएं तरफ इसका टीवी लॉन्च, जिसकी मीडिया वाल ग्लास फिनिश के साथ, पीछे आपको वॉलपेपर से डेकोरेटेड वॉल। इसमें वैसे आपको ड्रॉज भी मिलेंगे और कैबिनेट भी और कुछ ओपन खाने भी। अब हम दिखाते हैं आपको इसका किचन। ये बस ये आप इसे ओपन किचन भी कह सकते हैं और क्लोज किचन भी कह सकते हैं। बस इस किचन में भी उसी तरह वुडन स्टेयर से फ्लोरिंग की गई है। वैसे ही लाइट जैसे मैं नीचे गया था, इस साइड को आप जितना नीचे करना चाहें उतनी नीचे हो जाएगी और जितना ऊपर करना चाहेंगे उतनी ऊपर हो जाएगी। इसकी एक सबसे बड़ी खूबी, इस किचन में एक स्टोर भी दिया गया, एक छोटा स्टोर भी। अब हम चलते हैं इसके अगले बेड की जानिब। आपको बेड नजर आ रहा है, एक अच्छे साइज का बेडरूम, खूबसूरत सीलिंग के साथ, वेंटिलेशन विंडो, इसका ये वार्डरोब्स और ये आपको इसका वॉशरूम। मुझे तो ये घर काफी पसंद आया है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। फिनिशिंग इस घर की बहुत अच्छी है, कम घरों में इतनी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। इसका थर्ड बेडरूम,
इसकी सीलिंग देख सकते हैं, खूबसूरत सीलिंग। बस ये इसकी हयूज किस्म की अलमारी, इसका वॉशरूम, खुले वॉशरूम, खुले कमरे, बड़ी अलमारियां, इधर हम चलते हैं इसके टेरेस की जानिब। टेरेस व्यूज़, ये हाफ कवर टेरेस आपको नजर आ रहा होगा, खूबसूरत व्यू इसका देख सकते हैं आप सामने। डबल रोड पे वाकई है ये। फिर हम चलते हैं इसकी छत की जानिब और देखते हैं छत पे क्या है। ऊपर भी आपको एक छोटा सा सर्वेंट रूम मिलता है, ये इसकी छत देख सकते हैं व्यूज आप। ये इसका वाटर टैंक जो सीमेंटेड है व्यूज। यहाँ पर हमारी वीडियो अब खत्म होती है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।